ती बहुत प्रकार की होती है एक भक्ति प्रधान ग्रंथ भागवत में एक प्रकार की दो प्रकार की तीन प्रकार की चार प्रकार की नौ प्रकार की तेरा प्रकार की पंद्रह प्रकार की बाईस प्रकार की पच्चीस प्रकार की तीस प्रकार तक की भक्तियों का वर्णन है लेकिन कृपालु की राय में अनंत प्रकार की है एक भागवत में श्लोक है तस्मात के ना न मन निवेश सात एक तीस किसी भी उपाय से मन भगवान में लगे उसी का नाम भक्ति उपाय कुछ हो नया उपाय गढ़ लो जैसी इच्छाओ ये न के न प्रकारेण मना कृष्णे निवेश भक्त रसामृत सिंधु सनातन गोस्वामी तो एक एम है बस मन का लगाना इंद्रियों का नहीं मन का। कैसे ही लगे काम क्रोधम भयम् स्नेह सौहार्द में सकाम निष्काम कैसे भी मन भगवान में लग जाए लोहा पारस छू जाए गुस्से में लड़ा दो चाहे प्यार से चाहे जैसे सोना बनेगा और अगर ये स्मरण भक्ति न करे कोई और इंद्रियों से भक्ति करे तो अनंत काल तक हम लोग कर चुके ये राम राम श्याम श्याम राधे राधे अनंत बार रसना से बोल चुके करोड़ अरब नहीं अनंत बार कैसे हमारे जन्म अनंत हो चुके हाँ। तो हमने राधा नाम कभी किसी ने अपनी मां का कभी बेटी बेटे का कभी किसी का भी रखते हैं पड़ोसी रखता है तो नास्तिक भी अपनी मां को अपनी बेटी को राधा नाम रखा है तो राधे ही तो बोलेगा तो भगवान नाम तो सब बोल रहे हैं अरे आपको आश्चर्य होगा आ सब बोलते हैं हिंदी उर्दू इंग्लिश आ का खा सब भगवान का नाम है वेद में कम ब्रह्म खम ब्रह्म अकारो वासुदेव अस्या उकारा शंभु। तो हम जो कुछ बोल रहे हैं सब भगवान का नाम है लेकिन कोई लाभ नहीं अरे वो अंदर बैठे हैं तब भी कोई लाभ नहीं व्यापक है तब भी कोई लाभ नहीं उनको अनंत बारा अवतार काल में देखा है तब भी कोई लाभ नहीं लाभ तब मिलेगा जब आपका मन अटैच्ड होगा श्री कृष्ण में तो भक्ति हीन का मतलब मन के अटैचमेंट से हीन फिर वो कर्म करे ज्ञान करे कुछ भी करे सब व्यर्थ भक्ति प्रधान सब धर्म कर्म छोड़ दे वो बंदनीय है और भक्ति छोड़ के सब धर्म कर्म करे न उसकी मुक्ति होना है न वो बंदनीय है सकर्ता सर्वधर्मा यो भक्तस्तव के सब सकर्ता सर्व पापा नाम यो न भक्त्युत स्कंद पुराण जिसने भगवान की मन से भक्ति की वो सब धर्म कर चुका और जिसने एक भक्ति मन से श्री कृष्ण की नहीं की वो सब धर्म करे मैं चौरासी लाख में घूमना पड़ेगा तो मन से स्मरण प्रमुख भक्ति है बाकी उसकी सहायक है ठीक है रसना से भी बोलो कान से भी सुनो आंख से संतों को देखो ये सब भी लगाए रहो अच्छा है लेकिन अगर मन का अटैचमेंट संसार में है और इंद्रियों से आप भक्ति कर रहे हैं तो ऐसे ही है जैसे प्राण निकल जाए और बड़ा वो सुंदर लड़का लड़की है कोई देखना नहीं चाहता डर लगता है देखने में दिया सो प्रीति घनेरी सो मन पंछी उड़ी जई है वो जो रूप देख देख कर स्त्री विभोर होती है वो उसी रूप को देख कर अरे इनको बाहर निकालो घर से जल्दी तैयार करो लकड़ी उकड़ी जला दो इनको देखो ना अरे दुश्मनी हो गई हाँ बस प्राण तक दोस्ती है इसलिए स्मरण इस पर प्रमुख ध्यान देना है रहते रहो हर समय हर क्षण कोई शब्द न बोलो सब बैठे हैं सब नास्तिक बैठे हैं वहां राधे राधे बोलोगे ऐसे करेंगे गुंडे लोग स्मरण करो हो गया स्मरण करो कमाई हो रही है चोरी चोरी इसलिए पद्म पुराण में कंक्लूजन इकहत्तरवें अध्याय का सौवा श्लोक स्मरतव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न सर्वे विधि निषेधा रेतो रे, रे व ये वेद में जो लाखों मंत्र हैं ये करो ये करो इसको विधि कहते हैं ये ना करो ये ना करो इसको निषेध कहते हैं तो ये सब ना पढ़ो ना देखो ना सुनो ना सोचो फिर तुम्हारी विधि है क्या श्री कृष्ण का निरंतर मन से स्मरण करो और निषेध क्या है उनको एक क्षण को भी न भूलो बस ये विधि निषेध याद कर लो सब वेद गुलाम हो जाएंगे तुम्हारे अरे भगवान दास हो जाते हैं तो वेदों की क्या गिनती